पटना के डिप्टी मेयर का वार्ड झील में तब्दील। कई हफ्तों के जलजमाव से जिंदगी हुई नारकीय। देशी जुगाड़ से बने नाव से लोग आने जाने को हो गए हैं मजबूर। पटना नगर निगम बारिश के दौरान जल निकासी के लाख दावे कर ले, लेकिन स्थिति जस की तस दिख रही है। पटना के कई इलाकों में तो हफ्तों तक पानी जमा होने से लोगों का जीवन पूरी तरीके से व्यथित और नारकीय हो गया है। वहीं नगर निगम की डिप्टी मेयर के पटना सिटी वार्ड नंबर 72 में कई हफ्तों से जल जमाव होने के कारण पूरा इलाका अब झील में तब्दील हो गया है। वहां के लोगों का जीवन पूरी तरीके से नारकीय हो गया है। नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरा देवी के पटना सिटी दीदारगंज स्थित वार्ड में कई हफ्तों से जल जमाव है। पूरा इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया है, जहां आधुनिक नाव नहीं बल्कि देसी जुगाड़ से बने नाव पर लोग बैठकर इधर उधर जाने को मजबूर हैं। इस जल जमाव के बीच रहने वाले लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसे समेत कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी इलाके में नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरा देवी का भी घर है, जिसकी जानकारी हमें स्थानीय निवासी दीना राय ने दी। कब से बनी हुई? 4 महीना हो गया सर। तो कैसे आप लोग आते जाते कैसे हैं? आते जाते हैं, वही ट्यूब का बनाता है, कितना आदमी का गरज रहता है। सबसे खखर में गरीब आदमी है, हिल जाता है, 10 रुपया मन के कारण पढ़िए हिल जाता है। और दिन भर में 10 बार आता है, नोचनी कल सब इसी में बीमारी आओ फैल रहा है सर। कभी पानी निकास के लिए किसी कभी शिकायत किया आपने कभी कहीं पर? जी हाँ, कहाँ शिकायत करे थे, एक आध बार आए हैं। उधर तो कहें कि रोडे बन रहा है 2 महीना के बाद, तो कहते कहते सालाना बीत गया सर। कहाँ शिकायत किया आपने? वार्ड कमिश्नर। कौन है आपके? 10-20 आदमी हम करे हैं, मैंने 16 महला का। कौन कौन है काउंसलर आपके? हमको ये है अवधेश जी। अच्छा, तो जल जमाव के लिए कोई उपाय नहीं किया गया? उपाय नहीं हुआ कि हो रहा है, हो रहा है। कितना पानी होगा यहाँ पर? यहाँ पर करीब करीब पानी है 4 फीट। 4 फीट पानी? हाँ, 4 फीट है पानी। डर लगता होगा? हाँ, रात में तो डर लगता है कि बाल बच्चा के न रखेगा तो इन्होंने लोग बंदर है, मैंने उल्टा हो जाता है। देखेगा तो देखेगा ना तो वही में जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या नाम हो आपका? राजेंद्र राय।